नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होने वाला है। अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। चेन्नई तो नहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। दिनेश कार्तिक की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं। अगर एक दो मैचों में और लगातार हार का सामना करना पड़ता है तो हो सकता है इस सीजन हमें कोलकाता की टीम में एक नए कप्तान को भी देखने को मिले, चाहे वो वेन मॉर्गन ही क्यों ना हो, क्योंकि कप्तानी और फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। साथ ही दिनेश कार्तिक की फॉर्म बेहद ही खराब है। कार्तिक अभी तक चार मैचों में सिर्फ 37 रन ही बना सके हैं। ना रसेल का बल्ला चला है और ओपनिंग जोड़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए। मजाल है कि किसी मैच में 50 रनों की भी साझेदारी हुई हो इस सीजन। गेंदबाजी विभाग में कुलदीप यादव को बाहर कर दिया गया, जबकि सुनील नारायण इस समय फॉर्म में नहीं है। दूसरी ओर चेन्नई की टीम लगातार 3 हार के बाद लय में लौट चुकी है। एमएस धोनी की टीम अब टॉप 4 में जगह बनाने को बेताब होगी। धोनी ने शेन वॉटसन पर भरोसा बनाए रखा, जिन्होंने पिछले मैच में 53 गेंदों का सामना करते हुए 83 रनों की पारी खेली। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ वॉटसन और फॉफ डुप्लेसिस के बीच रिकॉर्ड 181 रनों की साझेदारी हुई, जिसकी वजह से चेन्नई को 10 विकेटों की शानदार जीत मिली। इससे टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा उठा है। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स का फॉर्म में आने का मतलब है कि बहुत टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। सिर्फ एक जीत की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर अब उम्मीदें उठ गई है। आत्मविश्वास से टीम लवरेज है, लिहाजा कोलकाता और चेन्नई के बीच ये मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।